अब आपको एक ऐसी वारदात से रूबरू कराते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दर्द की इंतहा क्या होगी। एक महिला जो अपने साथ जुर्म की दास्तां लिए चल रही थी, 8 साल और दिन ब दिन मौत से भी बदतर जिंदगी, और इस जिंदगी को नरक बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही थे। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान का चूरू जिला, जहां दुष्कर्म का शिकार हुई एक विवाहिता। अपनों ने ही किया रिश्तों का खून। 8 साल और जुर्म की बेइंतहा। घर की इज्जत को अपनों ने ही किया बदनाम। मुंह पर कपड़ा बांधे ही वही पीड़िता है जो अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। ये चाहती है कि इसके गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। चूरू के वार्ड नंबर 2 में रहने वाली इस महिला ने 8 साल से अपने साथ हो रहे दुष्कर्म की वारदात सुनाई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, और दुष्कर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि ही अपने ही जेठ का बेटा था, जिसका नाम है विकास। इस दरंदे ने पीड़िता के साथ रेप नहीं किया बल्कि अश्लील क्लिपिंग भी बनाई और महिला को ब्लैकमेल करता रहा। इसके बाद जो हुआ वो और ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक था। विकास 8 साल से महिला को कर रहा था ब्लैकमेल। नशे के इंजेक्शन लगाकर महिला को बनाया बंधक। 10 और लोगों ने महिला से किया गैंगरेप। महिला से जबरदस्ती करवाई वेश्यावृत्ति। आरोपी विकास ने महिला को कैद कर रखा था। विकास लगातार महिला को नशे के इंजेक्शन देता रहा, और इतना ही नहीं, किसी को उस पर शक ना हो इसलिए लगातार अपने ठिकाने भी बदलता रहा। वो पीड़िता को चूरू से जयपुर, फिर डूंगरपुर और उदयपुर ले आया, जहां लगातार महिला के शरीर को छलनी किया गया। कई बार पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ। एक औरत की इज्जत और आत्मसम्मान को कुचलता हुआ ये मंजर यही नहीं रुका बल्कि 10 और लोगों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद उसे उस दलदल में फेंक दिया जो मौत से भी ज्यादा बदतर है। बाजार गई थी, उसी पीरियड में वो मेरे पीछा करते हुए कब कहां से कैसे आया, गाड़ी लेके आया और मुझे धमका दो वहां से नीचे डूंगरपुर के बेगाना गांव में ले गया, और वहां पे जाके उसने 2 महीने तक मुझे नशीला पर्दा खिला के मेरे साथ बलात्कार करता रहा। कुछ दिनों बाद में वो मुझे वहां से लेके आ गया उदयपुर में। उदयपुर में उसने मुझे अलग अलग जगह पे रखा और मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा, डराता रहा, धमकाता रहा। इसी तरह महिला उन दरिंदों के जंगल से भाग कर आई और पुलिस को अपने साथ हुए इस दर्दनाक मंजर की दास्ता को सुनाया। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवा कर मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस ने जांच पूरी करने का आश्वासन तो दे दिया और शायद पीड़िता को भी सांत्वना मिल गई हो कि उसे अब इंसाफ मिलेगा, लेकिन कब तक न्यायपालिका उसके साथ इंसाफ करेगी। चूरू में वार्ड नंबर 2 निवासी एक महिला ने दर्ज करवाया है, उसके जेठ का लड़का विकास
जो उसको उसके पियर में और उसके ससुराल में उसका आना जाना था, उसने एक दिन उसके साथ सन 2009 में शारीरिक संबंध बना लिए, बलात्कार किया उसके साथ में। उसके बाद में वो उसके साथ में जो फ़ोटो बना ली, फ़ोटो बनाने के बाद में उसको लेकर के और चला गया उदयपुर। उदयपुर जाने के बाद में उसने जो है अपने दोस्तों से और उससे उसके शारीरिक संबंध बनवाए, यौन शोषण किया। पीड़िता जो रात को कोई घटना हुई है जिसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म हुआ, तभी उसको राजगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लाशेज को चूरू रेफर कर दिया गया। उसके पश्चात पुलिस उन्होंने चूँकि अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी थी तो पर्दा बयान देने के लिए यहाँ पहुँचे। उसके पश्चात इसके परिजनों ने एक FIR दर्ज करवाने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें दो लड़कों का नाम भी लिखा है और दो व्यक्तियों के बारे में जिनके बारे में नाम उनको ध्यान नहीं है। कौन करेगा पीड़िता का इंसाफ? कब तक मिलेगा न्याय? और कब रुकेंगे ये अपराध? और कब खत्म होगी जुर्म की ये दास्तां? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। समाज में पहले इस अभिशाप से और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों पर कब तक एक महिला बलि चढ़ती रहेगी और कब विकास जैसे दरिंदों का खात्मा होगा? कब समझेंगे कि महिला कोई खिलौना नहीं, एक जीता जागता इंसान है? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। प्यार या जुर्म, एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने जुर्म की हर हद को पार कर दिया और उसके जुनून ने करवाया ऐसा खौफनाक काम जिसने सबको हिला दिया। उसने उसी को मौत के घाट उतार दिया जिससे वो बेहिंतियां मोहब्बत करता था। देखिए एक सिरफिरे आशिक का खौफनाक मंजर। नाम जगदीश बंजार, उम्र 22 साल, जुर्म मर्डर, जगह राजस्थान का बांसवाड़ा जिला। शक्ल ऐसी कि किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन जुर्म ऐसा कि कोई भी खौफ खा जाए। तस्वीर में दिख रहा ये युवक जगदीश बंजार है, जिसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि रोंगटे खड़े हो गए। इस युवक का जुर्म कितना खौफनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक तरफा प्यार में पागल इस युवक ने 19 साल की एक युवती की जान ले ली। ये कल कोई लड़की की हत्या हो गई थी, चाकू मार के गर्दन उसका गला काट करके हत्या कर दी थी। जो कोई बंजारा मौजूद था उसको हमने डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। इनकी मांग यही थी कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो हमने बिल्कुल उनको आश्वस्त किया, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो सही है वो कार्रवाई की जाएगी। हमने कोई पुलिस ने मारपीट नहीं की है, ये भीड़ उठ करके जबरदस्ती अंदर घुसने लगी तो उनको पीछे हटा करके रवाना किया है। उनके खिलाफ में अगर है तो बिल्कुल नियमानुसार उनको कार्रवाई की। दिन दहाड़े की युवती की हत्या, एक तरफा प्यार ने बनाया कातिल, मोहब्बत मर्डर और दर्दनाक मंजर, घर में घुसकर किया युवती का मर्डर। बिलखता हुआ ये व्यक्ति उस युवती का पिता है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। अपनी बेटी के लिए आंसू बहाते इस पिता की गलती बस इतनी है कि ये अपाइज है। अपनी बेबसी पर आंसू बहाते इस पिता को पहली बार अपने अपाइज होने पर दुख हो रहा है। जिस समय आरोपी ने युवती पर हमला किया उस समय पिता मकान की पहली मंजिल पर था। अपनी बेटी की चीख सुनकर पिता नीचे आ पाता इससे पहले ही आरोपी ने युवती के दो टुकड़े कर दिए।
दीवारों और फर्श पर खून के छींटे और बिखरा सामान उस दर्दनाक मंजर को बयां कर रहा है जहां उस वैश्य दरिंदे ने युवती की हत्या की थी। जिस समय इस घटना को अंजाम दिया गया, युवती अपने बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। आरोपी ने युवती के घर में घुसकर युवती का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस दर्दनाक मंजर ने सभी को हिला दिया और इस खौफनाक वारदात की चश्मदीद गवाह बनी घर में काम करने वाली बाई। और कोई लोग थे क्या? कोई भी नहीं था, अकेले थे। मैंने आवाज मारी कर दिया कि ये पास वाले लोग सब निकल के वापस आ गए। फिर वो लड़का कहाँ गया? उनके सामने सब लोग सब भाग के गए, यहाँ तक जाके निकल गया। फिर चला गया वो। उसके बाद कोई पब्लिक आई? ये सब लोग आए थे घूमने वाले। फिर मैं डायरेक्ट ऊपर आई दादी को कहने के लिए। तो जब घटना हुई उस समय ये लड़की के परिवार में कौन कौन थे यहाँ पे घर में? दादी जी, उनके बेटा, उनके बाप थे, छोटे बस दो ही थे। उस समय दूसरे कोई नहीं था। तो आखिर ये किस कारण से ये मारना बताया जा रहा, कुछ जानकारी? तो हम मैं एकदम बाहर आई अंकल के पास, मैंने कहा किसको मार दिया? बोले वैशाली को मार दिया सामने वाले जगदीश बंजारा ने। मैंने देखा, जब तक मैं बाहर आई मेरे गेट पे गेट खोल के इतनी देर में जगदीश बंजारे को मैंने भागते हुए देखा, उसके पीछे उसका बड़ा भाई भाग के जा रहा था। उसके हाथ में कोई उसके बाद मैंने जैसे ही मैं आई वैशाली के घर पे तो वो उसके बालकनी में मरी पड़ी थी। जब इस कामवाली बाई ने इस वारदात का अपना आंखों देखा मंजर बयां किया तो हर कोई सहम गया। जुर्म की ऐसी दास्तां कि दिल दहल जाए। मृतका अभी 19 साल की ही थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो रही थी। आंखों में नए सपने और उमंग लिए वैशाली नई दहलीज पर कदम रख रही थी, लेकिन उस भविष्य दरिंदे ने वैशाली के हर सपने को मौत की नींद सुला दिया। जुर्म की खौफनाक दास्तां, प्यार, जिद और मर्डर, सिरफिरा आशिक या हत्यारा। एक हफ्ते पहले दी थी हत्या की धमकी। एक तरफा प्यार में जगदीश ने एक ही पल में पूरे परिवार की खुशियों का गला घोंट दिया। घटना को अंजाम देने से पहले जगदीश ने वैशाली को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन इस धमकी को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया और नतीजा वैशाली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात ने पूरे बांसवाड़ा को हिला दिया और हर कोई इस घटना के बाद सहम गया। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई युवतियां ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुकी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब ये हत्याएं रुकेंगी और कब ऐसे अपराधों पर लगाम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित। क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए जन टीवी।